अच्छा डॉक्टर चंचल, यू आर बैक विद अस। एक आपके लिए दो क्वेश्चंस आए हुए हैं कि गिलॉय टेबलेट्स। डॉक्टर जी चंचल आप हैं? यस डॉक्टर हेलो। या गिलॉय टेबलेट्स का क्या रोल है? गिलॉय की टेबलेट्स ही बहुत सारी है आजकल बाजार में भरी पड़ी है। गिलॉय टेबलेट्स जो मिलती हैं वो गिलॉय का एक्सट्रैक्ट है। एग्जैक्टली उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो उस फॉर्म में आप उसको ले सकते हैं। गिलॉय टेबलेट्स, अश्वगंधा टेबलेट्स, इवन दोज कैन ऑल्सो बी टेकन, बिकॉज अश्वगंधा के ऊपर भी IIT में अच्छा स्टडीज हुआ है कि अश्वगंधा इस टाइम पर प्रिवेंटिव है और इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत अच्छा है। और साथ साथ जो अश्वगंधा है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है, एंजाइटी रिड्यूस करता है, तो उन सब वेज में भी अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करेगा। तो अश्वगंधा गिलोय के टेबलेट्स हम ले सकते हैं अगर बाकी चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं हो रही हैं तो। अच्छा, तो अश्वगंधा की भी कोई डोजेस होती है जो लेनी चाहिए? बेसिकली अश्वगंधा जो है वो बच्चों के लिए 1 to 2 grams 2 times a day बोला गया है। तो अगर आप टेबलेट फॉर्म में ले रहे हैं तो आप, अगर बच्चा 3 years to 5 years का है तो हाफ टेबलेट अ डे दे सकते हैं, अगर 5 to 15 years का है तो 1 tablet a day दे सकते हैं, यानी हाफ टेबलेट 2 times a day, और अगर बड़े हैं तो 1 tablet 2 times a day लिया जा सकता है। अच्छा, ये दिस कैन बी गिवन फॉर हाउ लॉन्ग? इज देयर ए ड्यूरेशन? यस, नथिंग कैन बी टेकन, लाइक आप 1 साल तक खाए जा रहे हैं, आपको जो भी लेना है वो 3 months या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 months तक लेना है, उसके बाद आपको गैप जरूर देना चाहिए, चाहे आप गिलोय ले रहे हैं अश्वगंधा ले रहे हैं, तो एटलीस्ट 3 months लेने के बाद 1 month और 2 months का गैप होना चाहिए। डॉक्टर चंचल, एक चीज ये बताइए कि मॉनसून में कुछ फूड्स, ये क्वेश्चन मैं तीनों तीनों पैनलिस्ट से अपने पूछना चाहूंगी। बहुत सारे मिथ्स हैं कि मानसून में ये खाना चाहिए और मानसून में ये नहीं खाना चाहिए। अब मानसून हमारा नेक्स्ट वीक से दिल्ली में आ जाएगा, तो अभी कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आयुर्वेदा कहता है कि हमें मानसून के समय पे नहीं खानी चाहिए या खानी चाहिए? देखिए आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि जो भी सीजनल फ्रूट्स हमें मिलते हैं वो सब सीजनल फ्रूट्स हमें खाने चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग कि ये उष्ण है ये शीत है, क्योंकि उसका जो वीर्य है उसके बारे में हमें उतना नॉलेज नहीं होता। हम सिर्फ जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें बताया जाता है उसमें जो वेरिएशन होती है उसी से चेंज होके वो हमारे पास पहुंचता है। तो बिना सोचे जो भी चीजें हमारी दादी नानी के टाइम से खाई जा रही थी वो सब हम खा सकते हैं, एंड जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो हमें जरूर खाने चाहिए। अदर देन डेट, आप अभी जो मानसून आ रहा है उसमें आंवला ले सकते हैं आप, क्योंकि एज पर आयुर्वेदा जो मानसून सीजन है वो वात प्रकोप का सीजन होता है, तो उस सीजन में आपको ठंडी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे हम गर्मी में ठंडी चीजें ज्यादा खाते हैं, बट मानसून सीजन में आपको ठंडी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वात का जो गुण है वो रूक्ष शीत लघु है, तो यानी कि जो भी ड्राइनेस क्रिएट करे बॉडी में, जो ठंडी हो तासीर में, ऐसी चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो गुनगुना पानी पियेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और जो सीजनल फ्रूट्स है वो खाएंगे अच्छा रहेगा, और हल्दी का दूध जैसा हमने बताया वो लेना है तो डेट इज वेरी गुड, क्योंकि मानसून के टाइम पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहता है और इंफ्लेमेटरी या एंड बैक्टीरियल एंटी बैक्टीरियल और वायरल जो डिसऑर्डर्स हैं वो ज्यादा होते हैं, फ्लू ज्यादा होता है, तो आंवले का मुरब्बा डेली हम अपनी डाइट में स्टार्ट कर सकते हैं। और नाक में ऑयल डालना यानी नस्यम जो है वो आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो स्पेशली इन मॉनसून सीजन डेली नोज के अंदर एक एक ड्रॉप, अगर हमारे पास साओ घी है डेट इज द बेस्ट वन, अगर नहीं अवेलेबल है तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। और जो मोस्ट रात को एक इम्पोर्टेंट है वो बूंद ये कि तेल, बारिश, रात को एक एक बूंद तेल रात नेजल में सोना ड्रॉप, चाहिए। यस, नेजल ड्रॉप जब भी हम घर से बाहर जा रहे हैं, और इस टाइम पर आयुष मिनिस्टर ने भी गाइडलाइंस डाला था कि आप डेली नोज के अंदर 2 2 ड्रॉप ऑयल जरूर डालें, अगर ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप घी भी डाल सकते हैं, तो वो हमें काफी हेल्प करता है। साथ ही बारिश के सीजन में जो बड़े लोग होते हैं उनको जॉइंट पेन के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, तो उससे प्रिवेंशन के लिए नहाने से पहले जॉइंट से अच्छे से अगर ऑयलेशन करते हैं और उसके बाद गुनगुने पानी से नहाते हैं तो उससे भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू डॉक्टर चंचल, बहुत ही इंसाइटफुल नॉलेज आपने हमारे साथ शेयर की। डॉक्टर मेहता, होम्योपैथी के हिसाब से कोई ऐसी चीज है जो हमको मानसून में नहीं खानी चाहिए या खानी चाहिए? नहीं, ऐसा होम्योपैथी जब जो कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, जो होम्योपैथिक मेडिसिन खा रहा है, उसको थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि खट्टी चीजों का परहेज ज्यादा करे, जिसमें जो खुशबू वाली चीजें हैं जैसे कि अचार ज्यादा हो गया या नींबू हो गया, ये चीजें हमें अवॉइड करना चाहिए। अदरक भी हम अवॉइड करवाते हैं, कॉफी खास करके हम अवॉइड करवाते हैं। तो ये चीजें मानसून में हो या वैसे हो, तो हम जितना कम खाएं होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ उसका बेहतर रहता है, क्योंकि नहीं तो उनका असर कम हो जाता है, खत्म नहीं होता लेकिन कम हो जाता है, तो उसकी एफिकेसी जो है वो बहुत देर के बाद काम करती है, तो इसलिए हम ये चीजें अवॉइड करवाते हैं।
आप, लेकिन खट्टी चीजों में तो फिर ये नींबू आ जाता है, एक तरफ हम बोलते हैं विटामिन सी खाना चाहिए, एक तरफ नहीं, हाँ बोलते हैं। नहीं, नहीं, एज शिवानी सेड, विटामिन सी के अब्जॉर्प्शन के बारे में भी उन्होंने बताया। विटामिन सी हम सप्लीमेंट के तौर पे ले सकते हैं डायरेक्टली। विटामिन सी अगर हम नींबू की बात करते हैं, लेमन की बात करते हैं, दैट शुड बी अवॉइडेबल विद होम्योपैथिक मेडिसिन। इट हैज सम कॉन्ट्रडिक्शन विद द होम्योपैथिक मेडिसिन, सो दीज सार आइटम शुड बी अवॉइडेड विद होम्योपैथिक मेडिसिन। दही हो गया, फ्रेश दही अगर हम कहते हैं तो हम ले सकते हैं, बट बाजार वाला दही या पुराना जो एक दो एक दिन पुराना दही है उसको ना खाएं तो बेहतर रहता है। घर का ताजा जमा हुआ दही खाना चाहिए। वो खा सकते हैं लेकिन वो 1 घंटे जो अगर जमाया, 1 घंटे के अंदर अंदर हम ले लें तो वो बेहतर है, रात में सारा दिन का पड़ा हुआ रिकमेंड हम नहीं। शिवानी, हम आपसे क्वेश्चन आपसे पूछना रह गया है कि कैल्शियम, कैल्शियम और आयरन का सप्लीमेंट को जो हम यूज करते हैं डाइट में हम लेते हैं, तो वो किस समय पे लेनी चाहिए? कैल्शियम और आयरन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि कैल्शियम और आयरन कभी भी साथ नहीं लेना चाहिए, अच्छा है ना। बिकॉज क्या होता है कि कैल्शियम और आयरन दोनों ही इट्स लाइक 1:1 टाइप ऑफ अ थिंग, ठीक है। तो अगर आप दोनों साथ में लेंगे तो कभी भी दोनों का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाएगा, रादर आयरन का फिर भी हो जाएगा बट कैल्शियम का उतने अच्छे से नहीं होगा। सो इट इज ऑलवेज सेड कि अगर आप आयरन ले रहे हैं तो आयरन के साथ हमेशा विटामिन सी लीजिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा कि आपका आयरन ठीक से बॉडी में एब्जॉर्ब हो और जिस वजह से आप ले रहे हैं वो चीज आपका प्रॉपरली हो पाए। तो इसके लिए जब भी आपको लेना है आयरन, आप हमेशा विटामिन सी के साथ लीजिए। आप उसको इवनिंग में भी ले सकते हैं, लाइक पोस्ट मील्स भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम विद द कैल्शियम, जैसा मैंने बोला कैल्शियम को आपको पोस्ट मील्स ही लेना है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि वो आप आयरन के साथ नहीं लीजिए। आप विटामिन बी अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स ले रहे हो तो आप उसके साथ ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट आयरन और कैल्शियम कभी भी साथ में नहीं लेना। तो कैल्शियम और विटामिन सी का कुछ वो रहता है, कॉम्बिनेशन सेफ होता है? नहीं सेफ, कोई वो नहीं है। इट्स नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। कैल्शियम एंड विटामिन सी कैन बी टेकन टुगेदर, एंड कैल्शियम शुड ऑलवेज बी सप्लीमेंटेड विद विटामिन डी ऑल्सो। या दैट कैन बी, विटामिन डी शुड बी ऑलवेज मतलब सप्लीमेंटेड विद कैल्शियम यस, फॉर दैट बेटर एब्जॉर्प्शन। विटामिन डी शुड बी सप्लीमेंटेड।